दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज मॉम में आप लोगों का स्वागत है। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज ये अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये सेकेंड वीडियो है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि जैसे है आपका a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इक्वल टू क्या है आपका 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका मान दिया गया है 40, ठीक है, 14 हो तो C का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए A plus B is to B plus C is to C और plus A, इन सबका मान दिया गया है 6:7:8। अब है आपका कि ये देखिए A plus B plus C का मान दिया गया है और ये जो है अनुपात में दिया गया ये हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है, तो इसे हम x मान सकते हैं। अब देखिए अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं यानी कि a प्लस बी और प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस a बराबर हम लिख सकते हैं क्या 6x प्लस 7x प्लस 8x। अब देखिए a भी डबल बार, b भी डबल बार और c भी डबल बार यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख सकते हैं। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 21x हो जाएगा और देखिए 2 कॉमन अगर ले ले a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए हमारा कितना दिया गया 14 यानी कि 2×14 कर सकते हैं 21x। इसे अगर हम करेंगे तो 28 आ जाएगा और ये हो जाएगा 21x। अब देखिए ये हमारा इसे 7 से काट सकते हैं, 7 से 3 टाइम में और ये 7 से 4 टाइम में यानी कि आपका 3x=4 यानी x का मान कितना आ गया हमारा 4/3। अब पूछा क्या गया कि c का मान निकाले, तो c का मान निकालना है अब हमें। अब देखिए x का मान मालूम है लेकिन चूंकि इस a प्लस बी का नहीं पूछा है या b प्लस सी, पूछा गया c का मान, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी के मान को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा c का मान। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 14 दिया गया है और a प्लस बी का मान हम निकाल सकते हैं चूंकि a प्लस बी का कितना दिया गया है मान हमारा 6x यानी कि 6×x का मान कितना निकला है 4/3। इसे काटिए 2 टाइम में यानी कि हमारा कितना निकल गया है प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान आ गया हमारा 8। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को माइनस कर देते हैं यानी कि 14 में अगर हम 8 माइनस कर दें तो जो ये हमारा आएगा वो क्या किसका मान आएगा हमारा, ये मान आएगा c का यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2a=2b=4c हो तब a:b:c का मान निकालना है आपको। जैसे देखिए ये 2a=2b=4c ये मान दिया गया है और आपको मान निकालना है a:b:c का। तो इसका देखिए कैसे निकालते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहे ये इक्वल टू में रहे और आपको इन तीनों का अनुपात पूछा जाए, अनुपात यानी रेशियो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए a का मान निकालना है तो a को हम पहले ढक देंगे, अगर हम इसे ढकते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2×4 दिख रहा है यानी कि ये हो जाएगा 2×4। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ये, तो ये हो गया a का मान। अब b का मान चाहिए है तो b को आप ढक लीजिए, देखिए 2 और ये हमारा 4 दिख रहा है यानी कि b का मान 2×4। c का मान चाहिए, c को हम ढक लेते हैं यानी कि क्या हो गया 2×2। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा ये भी 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4। तो अब देखिए ये हमारा अनुपात आ गया है रेशियो
अब एक चीज और, अगर इनमें से तीनों डिजिट आपका किसी भी संख्या से कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं। ये देखिए चार से कट रहा है, तीनों चार से अगर काटेंगे तो ये एक बार में, ये दो बार में और ये दो बार में। अब हमारी किसी भी संख्या से ये नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा आंसर 2:2:1। यानी कि अगर बात की जाए A:B:C का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:2:1। तो ये बहुत इजी है, आप इसे करके, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में लिखा है, आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। A का मान निकालना है, आप इसे ढक दीजिए, ये हमारा मान निकल गया। B का चाहिए तो इसे B को ढक दीजिए, ये निकल जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याएं 1:2 यानी 1:2 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देने पर उसका अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं, दो संख्याएं दी गई है आपका 1:2, मान लिया जाए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, 1:2 के अनुपात में है। अब कहा जाए कि इन दोनों में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। के क्वेश्चन को ऐसे बनाए, मैंने बताया कि अनुपात कोई भी एग्जैक्ट नहीं होता है, आप इसे x मान सकते हैं इसमें। तो हमारा 1x/2x ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें से दोनों में 7 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 जोड़ देने से अब उनका अनुपात क्या हो जाता है, 3:5, यानी कि 3:5। मैंने पहले भी बताया कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। अब इसे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, इसे मैंने काटा नहीं है, ये मैंने बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दोनों को गुणा करेंगे, ये तो 1:x करेंगे तो हमारा x ही आएगा, यानी कि 5:x करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 5x। 7:5 करेंगे 35 इक्वल टू 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3:2 कितना हो जाएगा हमारा 6x, और प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि दोनों को एक्सचेंज करते हैं, x वाले को एक साइड लेते हैं, तो 5x-6x टू भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये 21, इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो हमारा माइनस में हो जाएगा, इसे अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस x हो जाएगा, और इसे अगर माइनस की जाए तो ये हमारा हो जाएगा 14, ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि x का मान कितना आ गया 14। अब कहा गया कि तो इसमें बड़ी संख्या कौन ही है, तो देखिए ए और बी संख्याएं हैं, ये 1:2 के रेशियो में है। अब देखिए, ये ऐसे ही देखने से लग रहा है कि ये क्या है हमारी छोटी संख्या है और ये क्या है हमारी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि इसका मान पूछा जा रहा है बी का, और बी का मान है हमारा 2x, क्योंकि x इंक्लूड है इसमें, 2x है, तो 2x का मान आपका कितना आया 14 आया हमारा, यानी कि 14 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो आइए मान लेते हैं, पहली संख्या एक है ए और एक है हमारा बी, ये मैंने मान लिया है। अब पहली संख्या का 30% यानी का मीन्स क्या, गुना इसका 30%, और दूसरी संख्या का 75%, ये क्या है आपस में बराबर है। ये देखिए, ये हमारा 100 कैंसिल हो गया, और इसे 15 से काट दीजिए तो ये 5 में कट जाएगा, और ये हमारा 2 में, यानी कि 2a=5b, ये हमारा आ गया। अब देखिए, मैंने इस तरह में बताया है और या नहीं बताया तो आज मैं बता देती हूँ कि अगर मान लिया जाए जैसे कि a/2 अगर रहता तो पूछेगा a का मान, तो a का मान यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि जिसके नीचे हो वही उसका मान होता है, और जब मल्टीप्लाई में रहे तो उसका मान क्या होता है, तो जो जिसके सामने है वो उसका मान है। अब देखिए, a:b निकालना है हमें, a के सामने क्या है 5, यानी कि a का मान हमारा 5 और b के सामने 2 है तो b का मान 2, यानी कि a अनुपात पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमारा कितना होगा 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a की आय b की आय से 10% अधिक हो और b की आय c की आय से 20% कम हो तो a b तथा c की आय का अनुपात क्या है। आइए पहले लिख लेते हैं, a b और c इन्हीं का अनुपात हमें निकालना है। देखिए, a की आय का क्या कहा गया कि b से 10%
अधिक है। और बी के बारे में फिर कहा गया, सी से तुलना किया गया कि बी की आय जो है सी से 20% कम है। तो आइए मान लेते हैं हम कि सी का 100 है, ये मैंने माना है कि सी की आय 100 है और कहा गया है कि बी की आय सी से 20% कम है, यानी कि अगर सी का 100 है तो बी का 20% कम, यानी कि इसका कितना हो जाएगा हमारा 80, 100 में 20 घटाएंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। और कहा गया ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि बी का अगर 80 है तो इससे 10% इसका ज्यादा है, यानी कि 110 होगा। ये 0-0 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा हमारा 80 और ये 100। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर अनुपात में लिखने के बाद संख्या अगर किसी भी संख्या से कट रही है तो इसे हम पहले क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये देखिए, शायद 4 से ये कट जाएगी, 4 से काट दिए तो ये 22 टाइम में, ये हमारा 20 टाइम में और ये 25 टाइम में, यानी कि हमारा जो अनुपात है 22:20:25, यानी 22:20:25, ये एबीसी का अनुपात निकल गया। और यही यहाँ पूछा गया कि एबीसी का आय का अनुपात, यानी यही हमारा अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। बी तथा सी का कुल वेतन आपका 14,000 दिया गया है। ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? A:B:C, इसका अनुपात दिया गया 2:3:4। अब कहा गया कि B और C का कुल वेतन, मैंने कहा ये अनुपात है तो ये एग्जैक्ट मान नहीं है, सब में एक्स इंक्लूड रहता है। तो B और C का कुल वेतन 14,000 रुपए दिया गया है, B और C का। तो B और C का वेतन कितना है, अगर हम ऐड करते हैं तो 3x और प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, और इन दोनों का वेतन कितना है हमारा 14,000 दिया हुआ, बराबर कर सकते हैं, इसे 7 से काट दीजिए, ये कट जाएगा हमारा 2000 टाइम में, 2000 टाइम में ये कट गया, हमारा x का मान आ गया। अब कहता है a से c का वेतन कितना, a और c में तुलना किया गया है, आइए पहले a का वेतन कितना है 2x, यानी कि 2 × x का मान आ गया 2000, यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना जाएगा ये 4000 रुपया। अब सी से तुलना किया गया तो सी का वेतन कितना हो जाएगा 4x, यानी 4 × 2000 हो गया, यानी कि 8000 रुपीस। अब कहा गया कि ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है, देखिए तो यहाँ पे कितना अधिक है, सीधा ये 2 गुना है, यानी कि 4000 रुपया ज्यादा है। और परसेंटेज निकालना है तो मैंने परसेंटेज की वीडियो में यह आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था कि कितना परसेंट अधिक है पूछा जाए तो हमेशा हम कम वाला लेंगे, तो कम हमारा कितना है 4000 × 100, जो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना अधिक है तो 100%। एक और चीज कि जब भी कोई चीज किसी से दोगुना हो और पूछे कि ये कितना परसेंट अधिक है, तो जब दोगुना हो जाएगा तो सीधा समझ लिए वो आपका 100% ज्यादा है। तो ये मैंने देख लिया कि यहीं पे ये 4000 है और ये 8000, तो ये सीधे 2 गुना है, यानी कि ये 100% इससे ज्यादा है, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा 2 गुना है, मीन्स 100% ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 100% अधिक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।